गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। सच कहा था अमीर खुसरो ने, धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो वादी कश्मीर में है। कश्मीर को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती बख्शी है, नैसर्गिक सुंदरता का खजाना यहाँ कदम कदम पर बिखरा हुआ नजर आता है। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे कश्मीर में कहीं ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिन्होंने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है, तो कहीं कलकल बहती नदियां हैं जिनका पानी जम्मू कश्मीर की जिंदगानी की कहानी सुनाता है। लेकिन धरती की जन्नत कहा जाने वाला कश्मीर एक लंबे अरसे से आतंकवाद की आग में झुलस रहा है। दहशतगर्दी के बारूद कश्मीर के दामन को तार तार किया है। अलगाववाद के पत्थरों की चोट से इस राज्य का दामन लहूलुहान हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग तमाम बाधाओं के बावजूद देश के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है। आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। आखिर 2019 के चुनावी महासंग्राम को लेकर कैसा है जम्मू कश्मीर का मूड, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम श्रीनगर पहुंची। श्रीनगर आए और डल झील ना आए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कश्मीर को इस धरती का स्वर्ग कहा जाता है और बहुत मुमकिन है कि इस बात को लिखने वाला शख्स उस वक्त डल झील के किनारे ही बैठा हो। डल झील न सिर्फ यहाँ की पहचान है बल्कि इन बहते शिकारों के नीचे जो डल झील का शांत पानी है, ऐसी ही शांति यहाँ की आवाम भी जम्मू कश्मीर के लिए मांगती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जम्मू कश्मीर वो जगह है जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जम्मू कश्मीर वो जगह है जहाँ पर मुस्लिम एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ बहुसंख्यक आबादी में है। जम्मू कश्मीर वो जगह है जहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को धारा 370 और 35A का अधिकार प्राप्त है। लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो ये चाहता है कि एक देश एक संविधान की मांग करे, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो लगातार इस मुद्दे की वकालत करती आई। क्षेत्रीय पार्टियों ने तो लोकल बॉडी इलेक्शन में इस मुद्दे को लेकर इलेक्शन का बायकॉट तक कर दिया था। आम चुनावों में भी ये मुद्दा गर्मा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हैं, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, लद्दाख, ऊधमपुर और जम्मू। इनमें से 3 सीटें बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग कश्मीर घाटी में हैं, जबकि 2 सीटें जम्मू रीजन में हैं, जबकि 1 सीट लेह लद्दाख की है। कोई गवर्नमेंट भाई ट्रेड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे कोई भी नेशनल हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कश्मीर के ऊपर। हाँ, अपना बन गया, वोट ले लिया लोगों से, बस हो गया काम बंद। हाँ, बैठ गया कुर्सी पर, बस छुट्टी हो गई। आने वाला लोकसभा, जो आने वाला लोकसभा है या असेंबली का चुनाव होगा, वो एस्पिरेशन के बुनियादों पर लड़ा जाता है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जो भी यहाँ पर सेकुलर सिस्टम है उसको मद्देनजर रखकर रियासत जम्मू कश्मीर में या खासकर हमारे हिंदुस्तान में जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम ऐसी एक सरकार लाए जिससे देश की डेवलपमेंट हो, देश की तरक्की हो, देश में प्रोसेस हो, देश आगे बढ़े, मुल्क आगे बढ़े, कोई फसाद ना हो, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा ना हो। 2014 के चुनाव में बीजेपी और पीडीपी को 3-3 सीट मिली थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सके थे। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी पीडीपी और बीजेपी दो सबसे बड़ी पार्टियां बनकर उभरी। खींचतान के बाद दोनों ने मिलकर सरकार भी बना ली। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि दल तो मिले लेकिन दिल नहीं मिल सके। ये पीडीपी और बीजेपी का सत्तारूढ़ गठबंधन 3 साल में ही बिखर गया और फिलहाल जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मैं इस वक्त श्रीनगर की जामा मस्जिद पर खड़ा हूँ। जामा मस्जिद न सिर्फ कश्मीर की सबसे बड़ी बल्कि सबसे पुरानी मस्जिदों में भी शुमार है। इसका निर्माण 1398 ईस्वी के भी पहले कराया गया था। बेहद खूबसूरत इस मस्जिद का इतिहास जितना पुराना है, उतनी ही पुरानी जम्मू कश्मीर में सियासी दावपेच और उठापटक की कहानी भी है। जम्मू कश्मीर में 40 साल में 8 बार राज्यपाल शासन और 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अभी भी हालात ऐसे ही हैं। हर मर्तबा वजहें कई रही, लेकिन जो सियासी दावपेच में उठापटक रही या राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन के पीछे जो वजह रही, वो कभी बेमेल गठबंधन बने तो कभी किसी ने अपने नफा नुकसान के लिए इस प्रदेश को राजनीतिक अस्थिरता में झोंक डाला। अगर श्रीनगर सीट की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से पीडीपी के तारिक अहमद कर्रा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2017 में हुए उपचुनाव में
ये सीट पीडीपी के हाथ से निकल गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के धाकड़ नेता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। श्रीनगर लोकसभा सीट की बात करें तो 2014 में हुए आम चुनाव में पीडीपी के तारिक हमीद कर्रा ने सीट जीती थी, लेकिन बाद में बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर राज्य में सरकार बनाई जिससे सियासी समीकरण बदले और उसके बाद नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2017 में बायपोल हुए और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने सीट जीत कर अपने नाम कर ली। लेकिन अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए इसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने ही चुनावों का बायकॉट कर दिया। अब देखना ये होगा कि उसके बाद आम चुनावों में इन दोनों ही पार्टीज का स्टैंड क्या रहता है। कश्मीर में चार बड़े राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और कांग्रेस। तमाम पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी पार्टी की लहर नजर नहीं आती। हालांकि अलग अलग पार्टियों के समर्थक अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। अब हम लड़ेंगे इलेक्शन और हम एक अच्छी हुकूमत बनाएंगे और हम कमल खिलाएंगे, खुशबू वाला कमल, बीजेपी का कमल। 2019 कैसे देखते हैं हम, 2019 का जो आम चुनाव है उसे कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बीजेपी जीत कर आएगी और हम हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मोदी जी वापस से आपको प्रधान? बिल्कुल सर, मोदी जी चाहिए, मोदी जी तो ग्रेट, मोदी जी एक ऑप्शन है। मोदी जी सेंटर में कौन आए, मोदी आए, राहुल आए? राहुल आना चाहिए। तो मैं इस बारी के इलेक्शन में चाहूंगा कि राहुल जी हमारे आने वाले प्रधानमंत्री हो, सो दैट कि एक वो एक युवा है और वो युवा की जो है उनकी एस्पायरेशंस को समझ सकते हैं, उनकी एस्पायरेशंस को आगे ले जा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मैं चाहूंगा कि इस बारी जो हमारे प्रधानमंत्री है राहुल जी हो। वैसे श्रीनगर सिर्फ राजनीति नहीं, धर्म और संस्कृति की दृष्टि से भी एक अहम शहर है। हजरत बल दरगाह श्रीनगर की पहचान से जुड़ी है। पिछले आम चुनाव में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर पीडीपी का कब्जा था, लेकिन 2017 में श्रीनगर में एक बार फिर से एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने सीट पर कब्जा जमा लिया। हम हजरत बल दरगाह और मस्जिद पर पहुँचे हुए हैं। हजरत बल दरगाह की यहाँ पर बड़ी मान्यता है, श्रीनगर में हर जायरीन यहाँ पर आता है और शीश नवाता है। कश्मीरी भाषा में बल का अर्थ जगह होता है और हजरत बल का अर्थ है हजरत की जगह। मान्यता है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का बाल रखा हुआ है जिससे करोड़ों मुसलमानों की आस्था जुड़ी है। हम पहुंचे हजरत बल दरगाह। हजरत बल दरगाह और मस्जिद डल झील के किनारे पर बनी हुई खूबसूरत सी मस्जिद है। आप मेरे पीछे हजरत बल दरगाह को देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जायरीन आते हैं और यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं। ये इलाका श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में पड़ता है। हजरत बल दरगाह की ये जो इमारत है ये 1623 ईस्वी में बनी थी और तब से अब तक ये श्रीनगर में उसी तरह शान से खड़ी हुई है। बड़ी तादाद में यहाँ पर आने वाले सैलानी भी इस जगह का दीदार करते हैं। ये जगह की खूबसूरती है, लेकिन जनतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि यहाँ के लोग, यहाँ के आवाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोटिंग प्रक्रिया से जुड़े। लाल चौक श्रीनगर की पहचान है, लेकिन अलगाववाद और आतंकवाद के दौर में लाल चौक पर तिरंगा ध्वज फहराना एक बड़ी चुनौती बन गया। कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, इस कश्मीर की रियासत और सियासत की नफ्स पकड़ने के लिए हम आए हैं। यहाँ की ना सियासत आसान है, ना यहाँ पर चुनाव कराना आसान है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उनके ऊपर पूरे मुल्क की नज़र होती है। हम इस वक्त श्रीनगर के उस जगह पर खड़े हैं जिसे कश्मीर का लाउडस्पीकर कह सकते हैं आप। ठीक समझे, हम लाल चौक में हैं। ये लाल चौक वो जगह है जिसका इतिहास हर बार आवाज़ उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस लाल चौक से उठी हर आवाज़ की पूरे मुल्क में गूंज सुनाई देती है। श्रीनगर में लाल चौक पर पहली बार साल 1948 में तिरंगा ध्वज फहराया गया था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तब लाल चौक पर झंडा फहराया था। हर जगह की मुसीबत अलग होती है, हर क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर मुद्दे अलग अलग होते हैं। कश्मीर में हम जिस जगह पर हैं, यहाँ पर जिस ठंड और जिस मौसम के लिए सैलानी यहाँ का रुख करते हैं, उस जगह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के लोगों के लिए वो मौसम मुसीबतों भरा होता है। आप शहर से थोड़ा सा आगे आएंगे तो कई ऐसे गांव आपको यहाँ मिल जाएंगे जहाँ पर छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें तक नहीं है। यहाँ पर पानी लोगों को मैसर नहीं हो पाता और उसके पीछे वजह है मौसम में। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी जम जाता है, नलके जम जाते हैं। अगर ये कहूँ कि इन्हें पानी पीने से लेकर दूसरी बुनियादी चीज़ों के लिए भी अगर ज़रूरत है पानी की तो उसके लिए इसे इन्हें गर्म करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद वो मलबा अभी तक इन नहरों के बीच में भरा पड़ा है।
ये कहते हैं कि प्रशासन ने इनकी सुध नहीं ली और ये मलबा अगर नहीं हटाया गया तो अगली बार अगर बारिश हुई तो फिर से इस साल भी वो दिक्कत इन्हें पेश आ सकती है। आप देख सकेंगे यहाँ पर पानी किस तरीके से जमा हुआ है, हर जगह पर पानी आपको ऐसे ही जमा हुआ मिलेगा और ये इनकी दिक्कतें हैं और इसी को लेकर इस बार ये आम चुनाव में भी यही सब जहन में रखकर जाएंगे। सियासी पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन आखिर कश्मीर के आवाम की उम्मीदें क्या हैं? सेंटर हमारे लिए ऐसा कोई वो फार्मूला करे, आपस में पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान आपस में मिले, तो तब हमको यहाँ पर कुछ रहा। अमन चाहिए, अमन चाहिए, यहाँ के लोग ही मांगते हैं अमन चाहिए। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आए, अगर ये आप कहें कि वो ऐसी होनी चाहिए गवर्नमेंट, आप चाहे हमें लेना देना उनसे कुछ नहीं है, हमें वैसा चाहिए जैसे यहाँ पे पीसफुल हो जाए। रोजगार की दिक्कत क्या? हाँ, रोजगार की तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ पे जो कोई भी आता है इलेक्शन के दौरान, बाकी यहाँ पे कोई नहीं आता है, तो यहाँ पे रोड की भी प्रॉब्लम है और बेरोजगारी है बहुत यहाँ पे, पानी की है किल्लत और बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मगर आता कोई नहीं भी यहाँ पे, ना किसी जगह से जमीन को रोजगार मिलता है ना कुछ, दिन भर दरबदारी करते रहते हैं और खाने के लिए वक्त पर नहीं मिलता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हिंसा से त्रस्त कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश है अमन बहाली, शांति कायम होगी तभी तरक्की का रास्ता खुलेगा। कुल मिलाकर अमन चाहिए, अमन होगा तो सब। हम सिर्फ यहाँ पे चाहते हैं अमन होना चाहिए बस, बाकी कोई लेना देना हमको नहीं, सिर्फ पीसफुल होना चाहिए और हम दिल से भी चाहते हैं पीसफुल, यहाँ से भी आवाज आनी चाहिए, वहाँ से भी पीसफुल। कश्मीर की चुनाव यात्रा में आगे बढ़ने से पहले जरा कश्मीर के चुनावी गणित पर नजर डालें। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन करीब 1,26,00,000 है, इसमें कश्मीर घाटी की आबादी करीब 54,00,000 है, जबकि जम्मू एरिया की जनसंख्या 69,00,000 है, लद्दाख की जनसंख्या करीब 3,00,000 है। कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, राज्य में मुसलमानों की आबादी करीब 68.31% है, जबकि हिंदुओं की आबादी 28.43% के करीब है। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, इनमें से 17 जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इनमें से 10 जिले कश्मीर में हैं, 6 जम्मू में और 1 लद्दाख में। वहीं हिंदू धर्म के लोग 4 जिलों में बहुसंख्या में हैं और लेह में बौद्ध धर्म के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। श्रीनगर की कहानी शंकराचार्य पर्वत की चर्चा के बिना पूरी नहीं हो सकती। ये मंदिर श्रीनगर में डल झील के पास शंकराचार्य पर्वत पर स्थित है। शंकराचार्य मंदिर समुद्र तल से 1100 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ से श्रीनगर और डल झील का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। ये मंदिर कश्मीर स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 371 ईसा पूर्व करवाया गया था। डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनवाई थी। इसके अलावा मंदिर की वास्तुकला भी काफी सुंदर है। जगत गुरु शंकराचार्य अपनी यात्रा के दौरान यहाँ आए थे। जम्मू कश्मीर की कहानी शंकराचार्य मंदिर के जिक्र के बिना अधूरी है। डल झील के किनारे बना हुआ यह मंदिर न सिर्फ कश्मीर का सबसे बड़ा मंदिर है बल्कि सबसे प्राचीन मंदिरों में भी इसका नाम है। ये मंदिर 371 ईस्वी से भी पहले डोगरा शासकों द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का यहाँ पर मौजूद होना यह बताता है कि कश्मीरी पंडितों का वजूद कश्मीर में कितना पुराना रहा। 2014 आम चुनाव की अगर बात करें तो उस वक्त इस मुद्दे ने खूब हवा पकड़ी। बीजेपी ने न सिर्फ जम्मू बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे को हवा में लाया और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का संकल्प लिया। हालांकि इस चुनाव में अभी ये मुद्दा न के बराबर है लेकिन मुद्दा बना हुआ है। कश्मीर में चुनाव के समय न सिर्फ आतंकवादी बल्कि अलगाववादी भी खलल पैदा करने की साजिश रचते हैं। कई बार चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए हर बार चुनाव में हिस्सा लेते रहे हैं और अपनी सरकार चुनते रहे हैं। और बाकी वोट वगैरह जो है अगर देना होगा हम बड़ी पहले भी देते आए और खुशी से देंगे, क्यों ये इलेक्शन में ये वोट वगैरह जो कि ये पंचायत इलेक्शन हुआ उसमें सब लोगों ने हिस्सा लिया है, सबों ने, कोई नहीं पीछे हट गया। जो बूढ़े थे चलने के बगैर उनको लोगों ने कंधे पर उठाकर वोट दिए, वो किए ये किए। लेकिन अब ये है कि इन लोगों का भी कुछ देखना चाहिए कि हाँ ये जो लोग हैं रैयत अयाल जो होता है वह माँ बाप के सिर पर होता है, रैयत जो होती है वो बादशाह के सिर पर होती है। बादशाह अगर रहम दिल हो तो रैयत को हर किस्म के आसाइश मिलेगी। हम वोट तो डाल देते हैं, पीछे में रोजगार नहीं होता है इसीलिए, और हम डालते भी हैं। हमने मेरे वोट तो लगभग हो गया 4 साल से 5 साल से पीछे से, मैंने तो कभी वोट जाया ही नहीं किया।
हर इलेक्शन में अतीत के आधार पर भविष्य की रणनीति तय की जाती है। अगर जम्मू कश्मीर के चुनावी इतिहास की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में करीब 50% मतदान हुआ था। बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी और उसे 32.6% वोट मिले थे। लद्दाख, उधमपुर और जम्मू बीजेपी के खाते में गई। इसी तरह पीडीपी ने बाकी 3 सीटें हासिल की थी, लेकिन उसे महज 20.7% वोट मिले थे। कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली, हालांकि उसके खाते में 23% से ज्यादा वोट आए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली भी खाली रही और उसे 11.2% वोट हासिल हुए थे। हालांकि 2017 के उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को श्रीनगर सीट जीतने में सफलता हासिल हुई। हाँ, मुल्की सतह पर जो पार्लियामानी इंतखाबात हो रहे उसका इम्पैक्ट या उसकी सियासत जो मुल्की सतह पर है उसका यहाँ पे कोई उतना असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की जहाँ तक सियासत की बात है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ की जो सियासत है वो मुल्क की सियासत से मुख्तलिफ है। यहाँ अलग मामलात है। 3 सीटें कश्मीर में है लोकसभा की, अगर हम बात करें श्रीनगर की, बारामूला की और अनंतनाग की। 3 सीटों पर चुनाव होंगे और तीनों में आपको जो है अलग अलग रुझान देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि एक ही पार्टी जो है तीनों को कूप करेगी, ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। आर्मी के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। सुरक्षा बलों के बुलेट चुन चुन कर दहशत गर्दों का खात्मा कर रहे हैं और अब फिर वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता बैलेट के जरिए देश के दुश्मनों को करारा जवाब देगी। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नावेद कुरैशी, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।